नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड को बड़ी सौगात देते हुए 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जो कि 410 करोड़ की लागत से बना है। यह झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा देवघर में बने एम्स का उद्घाटन भी पीएम ने किया। यहाँ 250 बेड की सुविधा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बाबा धाम आकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। हमें यहां से झारखंड को गति देने का अवसर मिला है। यहां 16,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। इनसे स्वास्थ्य पर्यटन को अधिक बल मिलने वाला है। सपना साकार हो रहा है। इन प्रोजेक्ट से लाखों लोगों का जीवन आसान होगा। कारोबार, व्यापार, पर्यटन के लिए, रोजगार के लिए अनेक अवसर बनेंगे। देवघर एयरपोर्ट की सुविधाओं का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट के शिलान्यास का अवसर मिला था। कोरोना के वक्त में भी समय रहते पूरा हुआ। कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का लाभ ले सकेगा। उड़ान योजना के तहत 5 से 6 सालों में कई जगहों को जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट पर सुविधाएं मिल रही हैं। उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ यात्रियों ने कम कीमत पर यात्रा की है। उड़ान योजना के फायदे गिनाते हुए पीएम मोदी बोले, इनमें से कई लोगों ने पहली बार एयरपोर्ट देखा, जहाज पर चढ़े। मेरे गरीब और मध्यम वर्गीय भाई बहन कुर्सी की पेटी की बांधन सीख गए हैं। आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए उड़ान जल्द शुरू होगी। झारखंड में 3 और जगहों पर एयरपोर्ट का काम चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम प्रसाद योजना के तहत काम चल रहा है। पर्यटन के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पिछले 8 वर्ष में झारखंड को सबसे बड़ा लाभ गैस आधारित जीवन और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में पाइप से सस्ती गैस मिलेगी। सीएनजी आधारित यात्रा सहित कई उद्योग को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने विकास सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर किया है। इसका लाभ झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई जगहों पर बिजली पहुंची जो दुर्गम क्षेत्र थे। यहां सड़कें भी बनी, पानी कनेक्शन मिल रही है। एम्स की आधुनिक सुविधाएं बिहार और झारखंड के बड़े इलाकों में मिल रही है। जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की समस्याओं का समाधान भी होता है और राष्ट्र की संपत्ति का भी निर्माण होता है। एक बार फिर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। वी टाइम न्यूज के लिए देवघर से श्री प्रसाद की रिपोर्ट।